Hello friends, today we talk about the career opportunity after 12 hours. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 12 आवर्स के बाद क्या कर सकते हो, अपने करियर के बारे में क्या ग्रोथ कर सकते हो. प्लान योर करियर, आपका करियर कैसे प्लान करोगे. देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको सही तरीके से करना है कि क्या चीज़ करोगे और किस तरह से आगे बढ़ोगे. ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड एंड कंपेयर विद ईच अदर. सभी ऑप्शन सही है, अच्छे हैं, लेकिन आप कौन से में आपका इंटरेस्ट है वहाँ से आगे बढ़ सकते हो. वन शुड बी चूज अ करियर बेस्ड ऑन द एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी एंड डाय. आप अपना करियर अपने एकेडमिक्स क्या पढ़े हो या क्या पर्सनैलिटी है उस पर डिपेंड करके आप बना सकते हो. बी ए डिग्री कोर्स लाइक दैट यू वॉन्ट टू बी ए बेचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट. तो यू हैव गेट द सब्जेक्ट अबाउट द हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, जियोग्राफी, एजुकेशन, फिलोसॉफी, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स विद द पब्लिक फाइनेंस एंड ट्रेड. तो इन सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा. लॉस वगैरह है, कुछ ह्यूमन बिहेवियर है, एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में, एजुकेशन तो इंग्लिश इंग्लिश या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है, जियोग्राफी है, लिटरेचर में आप इंग्लिश सब्जेक्ट या किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो. उसके हिसाब से डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट तो आप किस तरह का प्लानिंग बता सकते हो. इकोनॉमिक पे आपका इन सब्जेक्ट के साथ कौन सा रिलेटेड है, वो सब आप लोग इस सब्जेक्ट डिग्री कोर्स में पढ़ सकते हो. और इस आर्ट्स सब्जेक्ट में वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सोशल वर्क है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, पॉपुलेशन स्टडी है, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म है, हेल्थ साइकोलॉजी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स के बारे में है. अगर वोकेशनल कोर्स में आप जाओगे तो वहाँ डिप्लोमा या ग्रेजुएट कोर्स तरीके से भी मिल सकता है. जैसे तो उसमें आप पढ़ोगे सोशल वर्क किस तरह का करना है, एनजीओ वगैरह कैसे चलाते हैं, मास कम्युनिकेशन में आप कैसे कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो, किस तरह की आपकी सिस्टम है, जर्नलिज्म है, कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग है वगैरह कुछ है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है जिस तरह के आप वगैरह कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स के आप खुद का अपना शुरू कर सकते हैं उसमें से, हेल्थ साइकोलॉजी है कि किसी तरह के ह्यूमन बिहेवियर आप चले प्लान करोगे, किस तरह से आप देखोगे. अगर आप जिम वगैरह का है कुछ प्लानिंग का आप उनमें इंटरेस्ट है तो फूड न्यूट्रिएंट्स, डाइटिक्स डाइटिस वगैरह के बारे में आप कर सकते हो. अगर आपने इन सब्जेक्टों में कोर्स कर लिया है तो अगर उसके बाद आपका जो भी करियर डेवलप होगा या आपका जो भी पोस्ट होगा तो जो भी आपने पोस्ट की होगी उसके हिसाब से आपको जॉब पोस्ट मिलेगी. जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, जियोग्राफर है, हिस्टोरियन है, फिलोसोफर है, पॉलिटिकल साइंसिस्ट है, पॉपुलेशन साइंसिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, सोशियोलॉजी से. तो इसके जो आपने पढ़ा है बीए डिग्री में वही सबको आपको आगे तक ले जाएगी. तो आप उसके हिसाब से आप अपनी जॉब पोस्ट ले सकते हो. इन सम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बाहर पाती है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप उनके हिसाब से जॉब मिल सकती है. और गुड करियर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना गुड करियर बना सकते हो. कैसे कि पब्लिक को हैंडल करना, उसको कैसा न्यूज़ है, जर्नलिज्म है वगैरह, इसके हिसाब से आप बात करोगे. पब्लिक को कैसे एंगेज करते हैं किसी वक्त में, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि अपना बना सकते हो. ग्रेट स्कोप आफ्टर द हायर स्टडी इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. तो अगर आप इसी फील्ड में आगे पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोप मिलेंगे और आपको जो भी वर्क करना है वो अच्छे से करोगे. यानी आप डीपली वहाँ से रिसर्च करोगे, कुछ नया नया बनाओगे और आपको अपना मार्केट में रख सकते हो. ये अगर आप आर्ट्स है तो उसका आपका टैलेंट बेस भी कुछ कोर्स करियर डेवलप कर सकते हो. जैसे कि पेट ग्रूमिंग, तो आप कोई पालतू जानवर या पेट है उसका डेवलपमेंट या वगैरह उसका जो स्टडी है वो कर सकते हो. तो उसके से आप अपना खुद का शुरू कर सकते हो. हेयर स्टाइलिंग है, वीडियो जॉकी है, मेकअप आर्टिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कोरियोग्राफर है, सिंगर है, म्यूजिक है, डिस्क जॉकी है, ETC. इन सब में अपना टैलेंट दिखा के आप आगे बढ़ सकते हो. और उसका मार्केट भी अच्छा है क्योंकि उसके फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ के एडवर्टाइजमेंट है, कुछ कंपनी एडवर्टाइज है, उसके हिसाब से आप अपना टैलेंट बना सकते हो. और मीडिया और कम्युनिकेशन फील्ड में भी आप आगे जा सकते हो. जैसे कि सिनेमाटोग्राफी है, कॉपीराइटर है, फिल्म एडिटिंग है, जर्नलिज्म है, मीडिया प्लानर है, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव है, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव. तो इन सब फील्ड में मास कम्युनिकेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो. यानी कि फिल्म इंडस्ट्री है,
अगर कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ है, जर्नलिज्म है, फिल्म एडिटिंग है, तो जो भी कुछ एडिट होगा वह उसके बाद होगा। मीडिया प्लानर के आप किस तरह से प्लानिंग करोगे, कि पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव आप पब्लिक के साथ कैसे एंगेज रहोगे, आप उस चीज़ को कैसे पब्लिशिंग करोगे, जैसे कि ज़्यादातर ह्यूमन और पब्लिक जो है वहाँ एंगेज रहे, और आप उसको अपना प्रोडक्ट या कुछ भी बिजनेस हो उसका मार्केटिंग करो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको ऑल्सो सम हॉस्पिटैलिटी कोर्स भी ऑफर मिल जाएगी, जैसे कि एयर होस्टेस है, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म का प्रोफेशनल है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो इन सब की ये सब फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।